अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर दम है, अगर माँ का दूध पिया है, अगर दूध का दूध पानी का पानी करवाने की अगर हैसियत है तो सीबीआई को जांच दे। वो बहराइच की घटना को चुनावी प्रयोगशाला के तौर पर उपयोग किया गया, वो एक्सपेरिमेंट किया गया कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कैसे हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जाए और चुनावी फायदा लिया जाए। जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई थी, जो भारत को बांटने की कोशिश की थी, जिसको हमारे पुरखों ने, आपके पुरखों ने खारिज किया था, आज उन्हीं की नजायज औलादें बहराइच की घटना को अंजाम दिया है। देखिए, हमने पहले भी बहराइच घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि आखिर बहराइच घटना का साजिशकर्ता कौन है, षड्यंत्रकारी कौन है, कौन प्रयोग करता है, किसने बहराइच की घटना को अंजाम दिया। जहां जिस सनातन परंपरा में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात होती है, जहां 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, वहां हिंसा का सूत्रधार कौन, साफ और स्पष्ट है। वहां के विधायक के द्वारा भी दिया गया बयान, कराया गया FIR साफ साफ इशारा करता है। हम तो CBI जांच की मांग करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के में अगर दम है, अगर माँ का दूध पिया है, अगर दूध का दूध पानी का पानी करवाने की अगर हैसियत है तो CBI को जांच दे। वो बहराइच की घटना को चुनावी प्रयोगशाला के तौर पर उपयोग किया गया, वो एक्सपेरिमेंट किया गया कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कैसे हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जाए और चुनावी फायदा लिया जाए। ये देशद्रोही ताकतें कौन लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई थी, जो भारत को बांटने की कोशिश की थी, जिसको हमारे पुरखों ने, आपके पुरखों ने खारिज किया था, आज उन्हीं की नजायज औलादें बहराइच की घटना को अंजाम दिया है। सीधा सा सवाल है, आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को भी देखते होंगे, स्टिंग ऑपरेशन में साफ दिखाया गया है कि 2 घंटे का टाइम पुलिस के द्वारा दिया गया। हम तो कहते हैं, जहां वैज्ञानिक युग में, जहां सैटेलाइट खेत में जलते हुए पराली की जांच पकड़ कर लेता है, वहां बहराइच की घटना के दोषियों की पकड़, धरपकड़ क्यों नहीं हो सकती? कौन लोग थे, किन किन लोगों के फ़ोन वहां एक्टिव थे, और जो फ़ोन एक्टिव था उसके CDR रिपोर्ट के आधार पर उस फोन से किन किन लोगों के, षड्यंत्रकारी लोगों से बातचीत हुआ करता था, जो बहराइच में जहां माँ दुर्गा का आराधना होना चाहिए, जहां स्तुति होना चाहिए, जहां भजन गायन होना चाहिए, जहां मंत्रोच्चार उच्चारण होना चाहिए, वहां ढोरी छील दे हम माँ की गाना वाला ये अश्लील DJ बजाकर, और तो और घरों पर चढ़कर, छतों पर चढ़कर, हरे झंडे को उतारकर, रेलिंग को तोड़कर भगवा झंडा टांगा गया। सबसे बड़ा बात है, हमारा धर्म किसी को भी इजाज़त नहीं देता है। ये रावण और कालनेमी के लोग हैं जो प्रभु श्री राम ने रामायण के समय ये साफ दिखाया था कि हर भगवा पहनने वाला, हर प्रभु का नाम लेने वाला कोई ये भक्त नहीं हो सकता, ये राक्षस हैं। और निश्चित तौर पर भाजपा RSS से जुड़े हुए लोगों ने जिस तरीके से बहराइच की घटना को अंजाम दिया, एक सनातनी हिंदू को मौत जिस तरीके से हुई, इसके पीछे भाजपा RSS और उससे जुड़े हुए संस्था के लोग हैं। मैं आज भी अपनी पूरे जवाबदेही के साथ कहता हूं, अगर इसकी CBI जांच हुई, संयुक्त संसदीय समिति से जांच हुई, तो ये भाजपा का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश के बहराइच की घटना में होना तय है कि उसी भाजपा के शासनकाल में करवा चौथ में जब पर्व मनाने के लिए महिला हेड कांस्टेबल जाती है और हमारे रंगा बिल्ला जोड़ी आप जानते ही हैं, बोलने के लिए दूरबीन लगा के 16 साल की लड़की गहनों से लदे हुए जाते, कोई नहीं कुछ कर रहा, महिला कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है भैया। आपके रावण राज में, आपके जंगल राज में, और आप बात करते हैं सनातन हिंदू धर्म की, धिक्कार है रावण और कालनेमी के लोगों। सुन लो हत्या, अरे यार सुन तो लो, अरे भैया सत्ता के दलालों कुछ तो सीखो, आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ,
ये जरूरी नहीं है कि एक, अरे यार सुन तो लो यार, सुन लो, अरे सुनने का पैसा लग रहा है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं खुद सनातनी हिंदू हूँ, कोई मैं भगवा आतंकी नहीं हूँ, कोई भाजपा की तरह कालिनेमी या रावण के लोग नहीं हूँ। हमारा धर्म शास्त्र 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, हमारा धर्म सर्वधर्म संभाव की बात सिखाता है, हमारा धर्म मानव सेवा को ही अपना धर्म मानता है। धर्म एक सभ्यता संस्कृति है, भौगोलिक आधार पर धर्म का ये उदय हुआ। तो आप जब देखेंगे, चूंकि हम हिंदुस्तान से हिंदू धर्म का ये हुआ इसलिए हम नारियल चढ़ाते हैं, अगर अरब में हमारा हिंदू धर्म अगर उदय होता तो वहाँ हम खजूर चढ़ाते जैसा इस्लाम के लोग चढ़ाते हैं। सीधी सी बात है, धर्म अपनी जगह है, धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। जिस तरीके से इंसानियत को तार तार करते हुए जो धर्म इंसान को इंसान बनने की नसीहत देता है, सीख देता है, उस धर्म के लिए अगर हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, अगर एक दूसरे के प्रति नफरत करते हैं, आपने उस नपुर शर्मा को भी देखा होगा क्या बोल रही थी बहराइच की घटना पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद वह कह रही है 36 गोलियां लगी, गजब की बातें हैं। देखिए ये सब तरीका है कि माफ़ी मांग लेंगे, अरे आपने बोला ही क्यों, आपने बोला ही क्यों, नहीं बोलेगी, किसको डर लगता है, हमें तो डर नहीं लगता, हमें तो डर नहीं लगता, आपके भाई है, हम तो क्या कह रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारा भाई सिख भी है, हमारा भाई बौद्ध भी है, हमारा भाई जैन भी है, हमारा भाई मुसलमान भी है, हमारा भाई हिंदू भी है। अरे पहले हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ो, जिस दिन हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ लोगे उस दिन नफरत की बातें छोड़ दोगे, जिस दिन हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ोगे आपके दिल में करुणा जागेगी, ममता जागेगी, आप नफरत की बातें नहीं करोगे, आप इंसानियत की बातें करोगे। निश्चित तौर पर आपको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप अज्ञानी बनकर आप किसी खास समुदाय से इंसान से आप धर्म का विरोध करते हैं और करवाते हैं। अरे लाल कुर्ती, मेरठ के लाल कुर्ती में कंचकों ने पैसा जमा करके रावण का पुतला बनाया था, वो क्या तालिबानी हुकूमत मेरठ में चल रही है? अरे भैया योगी आदित्यनाथ को तालिबान कह रहे हो, तुम पत्रकार हो या सत्ता के दलाल हो? अरे योगी आदित्यनाथ कोई तालिबानी नहीं है, जो अरे सुनो, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, मैं क्या कहा, अरे एक, अरे मुख, अरे आप सुन ही नहीं रहे, एक गूंगी 10 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप उत्तर प्रदेश में होता है, क्या वहां तालिबानी हुकूमत है? एक महिला कांस्टेबल को करवा चौथ पर मनाने जा रही थी, उसके साथ जो हादसा हुआ, क्या वहां तालिबानी हुकूमत है? गजब की बात, देख नहीं रहे कौन मिट्टी में लाया जा रहा, जो दंगाई लोग हैं, अरे शर्म करो, जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिलवा दो ना, योगी के अगर पिछवाड़े में दम है तो कहो मिला दें, अरे वो उन्हीं का गुर्गा है, खुला छूट है, साबरमती जेल में बैठा पीसी करता है, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करता है, जब मन चाहता जिसकी हत्या करवा देता है। सत्ता संरक्षित लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई होती है बताओ? वो क्या रिश्तेदार लगते हैं, वो जीजा है, वो उनके फूफा लगते हैं, अरे क्यों नहीं उनको मिट्टी में मिलाया जाता?